Good morning, students. Today we will discuss about our needs from Unit 2, Lesson number 5, The Story of Clothes. We wear different types of clothes. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. इन विंटर्स वी वेयर वूलन क्लोथ्स, सर्दियों में हम ऊन के बने कपड़े पहनते हैं. इन द रेनी सीजन और मानसून सीजन वी वेयर रेनकोट एंड गम बूट्स. रेनी सीजन बारिश सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं. गम बूट्स होते हैं रबड़ के बने जूते. On special occasions we wear special clothes. Special occasion जैसे कि कोई party हो, function हो, तो हम special clothes पहनते हैं. Now let us read the story of different types of clothes. Cotton is obtained from the cotton plant. Cotton जो है cotton के पौधे से मिलता है. इस picture में देखिए, एक lady रुई के पौधे से रुई तोड़ रही है. कॉटन बॉल्स आर स्पन इंटू थ्रेड. स्पन होता है काटना. जो कॉटन की बॉल्स होती हैं उन्हें थ्रेड में स्पन किया जाता है. अर्लियर स्पिनिंग व्हील वॉज यूज टू डू दिस. पहले चरखा काटने के लिए यूज़ किया जाता था, बट नाउ इट इज़ डन बाई ह्यूज मशीन्स. अब ये बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है. द थ्रेड इज देन वूवन ऑन अ मशीन कॉल्ड लूम. फिर जो थ्रेड होता है उसे मशीन के द्वारा बुना जाता है. इस मशीन को बोलते हैं लूम. एंड द कॉटन क्लोथ इज मेड. द कॉटन जो कॉटन क्लोथ होता है फिर बन जाता है. देन द क्लोथ इज स्टिच्ड इनटू अ क्लोथ्स. फिर इससे अलग अलग तरह के कपड़े सिए जाते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर. दे टेक इन द सन्स हीट एंड कीप अस कूल. कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं. ये सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं और हमें ठंडा और अच्छा लगता है. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. ये हमें गर्म रखते हैं. दे आर मेड अप ऑफ वूल. जो ऊन से बने हुए होते हैं. डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट वूल. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हमें ऊन भेड़ों से मिलती है. द शीप्स हेयर इज कट एंड देन वॉश्ड. इट इज देन ड्राइड. भेड़ों के बाल काटे जाते हैं और फिर उन्हें धोया जाता है. धोने के बाद उन्हें सुखाया जाता है. ऑन ड्राइंग इट बिकम्स सॉफ्ट एंड क्लीन. सूखने पर यह मुलायम और साफ हो जाते हैं. इट इज देन स्पन इनटू वूलन थ्रेड्स. फिर इन्हें ऊनी धागों में बुना जाता है. दीज थ्रेड्स आर नीटेड टू मेक वुलन क्लोथ्स. इन धागों को ऊनी कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ काउ, बफेलो, स्नेक एंड क्रोकोडाइल. लेदर होता है चमड़ा. गाय, भैंस, सांप और मगरमच्छ की त्वचा से हमें चमड़ा मिलता है. लेदर इज यूज टू मेक लेदर क्लोथ्स, पर्सेस, वॉलेट्स, शूज एंड बैग्स. चमड़े का उपयोग चमड़े के कपड़े, पर्स, जूते और बैग बनाने के लिए किया जाता है. द थिंग्स दैट वी यूज इन द रेनी सीजन आर रेनकोट, गम बूट्स. बारिश के मौसम में हम रेनकोट, गम बूट्स का उपयोग करते हैं. यह हमें बारिश से बचाते हैं. वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला. बारिश के मौसम में हम छाते का भी इस्तेमाल करते हैं. ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक पार्टीज और फंक्शंस वी वेयर सिल्क क्लोथ्स. स्पेशल ओकेजन्स लाइक पार्टीज, जैसे कि फंक्शन, उस पर हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं. डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट सिल्क. सिल्क होता है रेशम. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स. रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है. दे फीड ऑन मलबरी लीव्स. मलबरी होता है शहतूत का दरख्त. जय शहतूत की पत्तियों पर भोजन करते हैं. दे स्पिन सिल्की थ्रेड अराउंड देमसेल्व्स. जय रेशमी धागे को अपने चारों ओर लपेट लेते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ ककून. इसे ककून कहा जाता है. लॉन्ग थ्रेड्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून्स. ककून से लंबे धागे निकलते हैं. दे आर देन वोवन इनटू क्लोथ्स. फिर इन्हें रेशम के कपड़े में बुना जाता है.